के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम साथियों, नमस्कार साथियों। एस्ट्रोलॉजर जय किराया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने अपने एक वीडियो में चर्चा किया था कि सुख वैभव विलासता के दाता प्रदाता स्थित सुख के दाता शुक्र ग्रह 6 अप्रैल को लगभग 11 बजे वृष राशि में प्रवेश करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे और लगभग 2 मई के अपराह्न तक वो वृष राशि में ही रहेंगे। तो शुक्र ग्रह के वृष राशि में भ्रमण करने के कारण, गोचर करने के कारण किन जातकों को, किन राशियों को उनका क्या फल मिलेगा, मैं आपको इसी विषय में बता रहा हूँ। तो ये इस वीडियो में बताऊंगा कि सिंह राशि वालों को क्या फल मिलने वाला है। यदि आप हमारे चैनल प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी बनाई वीडियो और समय से प्राप्त होते रहे, आप नई नई जानकारियों का समय से लाभ उठाते रहें। तो साथियों, जैसा मैंने चर्चा किया कि इस वीडियो में आपको मैं सिंह राशि पर बताने जा रहा हूँ। तो सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं साथियों, वो ग्रहों के राजा सूर्य भगवान होते हैं और उनका नाम है ग्रहों के राजा। तो सूर्य जो सिंह राशि के जो जातक होते हैं वो स्वयं अपने आप में दबंग होते हैं, आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, उनके अंदर एक अलग एनर्जी होती है, मतलब एक सबसे एक तरह से हट कर रहते हैं और दबंग जैसे व्यक्ति होते हैं। तो वृष राशि में गोचर भ्रमण में जो सिंह राशि वालों को क्या फल दे रहे हैं शुक्र भगवान, तो इस दौरान उनकी जो मनोवांछित कामनाएं हैं, उन्होंने जो प्लानिंग बना रखी है, उसमें पूर्ति होने के लिए चांसेस बनेंगे, कामनाओं की पूर्ति होगी, धन की प्राप्ति तो अपने आप होती रहेगी, शुक्र ग्रह आपको दे रहा है खुद अपना धन। वैभव विलास की चीज़ें, जैसे कि आपके पास मोटरसाइकिल है तो आप कार की प्लानिंग बनाएंगे, साइकिल है तो मोटरसाइकिल खरीदेंगे, घर नहीं तो घर बनाएंगे। तो इस दौरान में भोग विलास की चीज़ें, विलासता की चीज़ें, ऐश्वर्य की चीज़ें घरों में और जो है आपके जो है टीवी है, एसी है इत्यादि, ये सब चीज़ों की भी आप इसमें स्थापना कर सकते हैं, इसमें वृद्धि होने की संभावना पूरा बल बन रही है। तो सिंह राशि के जातकों को शुक्र ग्रह की वजह से इन चीज़ों में विशेष प्राप्ति होने वाली है। और इस दौरान आपका जो आपके निकटवर्ती लोग हैं उनसे भी आपका संबंध स्नेह बना रहेगा। यदि आप राजनेता हैं, जनता का सहयोग प्राप्त होगा आपको, जो है जनता आपको विशेष लाइक करेगी, जो है और शरीर तथा मन से भी, मतलब आर्थिक सामाजिक और शारीरिक, ये भी सब सुख प्राप्त होने वाले हैं। आपका मन इस दौरान में काफ़ी प्रफुल्लित रहेगा और जब धनागमन होगा तो ये सब होता रहेगा। और धनागमन, जैसे मैंने बताया कि इस सिंह राशि वालों के लिए धनागमन की विशेष चर्चा इसमें हो रही है, मतलब उनको प्राप्त होने वाला है 6 अप्रैल से 2 मई के मध्य में। तो साथियों, आपने देखा कि जो सिंह राशि के जातक हैं उनको भी शुक्र भगवान शुक्र का अच्छा फल दे रहा है, कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यही बात है कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए, आपको अपने संयम रहना चाहिए, क्योंकि शुक्र ग्रह जो होता है आपको पदभ्रष्ट करने में भी ज़्यादा देर नहीं होती। आप ज़्यादा सुख पाएंगे तो पदभ्रष्ट भी हो सकते हैं, पदभ्रष्ट होंगे तो क्या होगा कि आप अपना भी पतन करेंगे, पारिवारिक पतन करेंगे और सामाजिक पतन भी हो जाएगा। इसलिए सोच समझ करके और धैर्य धारण करते हुए अपने उसका इंजॉय लें और शुक्र ग्रह की जो प्राप्ति हो रही उसका आप उपभोग करें। तो आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी और आपने अब तक हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहें। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।